मानसी, यस स्टूडेंट्स, टुडेज डेट इज, सबसे पहले आज आपको क्या पता है आज कौन सा डे है? टीचर्स डे है ना? यस स्टूडेंट्स, टुडेज डेट इज 5th सितंबर, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट टीवीएस। मालूम है 5th सितंबर को क्या होता है? टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस है ना। तो आज मैं आपको लेसन 6 की एक्सरसाइज एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी। अगर किसी बच्चे की लेफ्ट हो गई या कुछ छूट गया है उसमें से, तो आज आप वो सभी कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस यस, ना ओपन लेसन नंबर 6, पेज नंबर मैं आपको लिखवा रही हूँ और आपको सारी एक्सरसाइज एक बार रिपीट करा रही हूँ। न्यू नेक्स्ट क्लासेस में आपको, नेक्स्ट क्लास होगी तब आपको न्यू लेसन स्टार्ट कराएंगे, ठीक है? आज मैं एक बार मैं लेसन नंबर 6 रिवाइज करा रही हूँ, तो आप सभी लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज देखेंगे। लेसन नंबर 6 क्या आपका? आवर फेस्टिवल, हमारे त्योहार। फेस्टिवल्स के बारे में रीड किया था ना सबने, है ना? यस, आज फेस्टिवल्स वाले लेसन की एक्सरसाइज एक बार रिपीट कर रही हूँ। आप सभी को इसे ध्यान से सुनना और समझना है, और अगर किसी का छूट गया, किसी की एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई थी, अगर नोटबुक में रह गया, समझ नहीं आया था, तो आप एक बार उसको फिर से समझ लेंगे। ओके, यस, स्टार्ट करें। यस मानसी, सभी ने बुक ओपन की, पेज नंबर 31। आप पेज नंबर 31 ओपन करेंगे। ओके, क्वेश्चन ए, पेज नंबर 31, कौन सा पेज ओपन करना है आपको? 31 यानी के 31st पेज। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन ए, टिक राइट, टिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस। एमसीक्यूज में फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन आपका, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका सही आंसर कौन सा है उसे टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, यस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप सब भी रेडी हो जाए। थैंक यू बेटा, सभी को थैंक्स। यस, स्टार्ट करें, अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए, टिक के राइट एंड राइट, ये लिखने के लिए है, राइट मीन्स सही है, द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमको तीन तीन ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमारा कौन सा आंसर ठीक है उसको हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप भी रीड करेंगे अपनी बुक से, मैम के साथ रिपीट करेंगे। अ फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन टाइम व्हेन पीपल आर डैश। सेलिब्रेशन ऐसा टाइम है जिसमें पीपल क्या होते हैं, सैड है, हैप्पी है, या फिर नन ऑफ देम। सैड मींस क्या होता है? उदास। हैप्पी मींस खुश, और नन ऑफ देम मींस इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप बताएंगे जब फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते हैं तो उसमें लोग क्या से क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं? हैप्पी। क्या लिखेंगे फर्स्ट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है इसका बी, बी का ऑप्शन आंसर क्या है? हैप्पी। आप क्या लिखेंगे? हैप्पी पे राइट का निशान लगाएंगे और वो आंसर लिखेंगे, क्या होता है? हैप्पी। ठीक है, सेकंड पर चले। वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन डैश एवरी ईयर। आपके पास ऑप्शन है, हमें इंडिपेंडेंस डे मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। कब मनाया जाता है, कौन सी डेट आपको सुटेबल लगती है? 16 अगस्त, 15 अगस्त, 17 अगस्त। अभी अगस्त का महीना गया है ना, तो कौन से अगस्त को, कितनी अगस्त को था आपका इंडिपेंडेंस डे? 15 अगस्त, ऑप्शन बी। ओके, अगस्त, इसको आप राइट कंसॉन्ट भी लगा। ठीक है,
ये सब रिपीट है, रिवीजन है आपका इसका चैप्टर का। एक बार अगर किसी का रह गया है तो वो फिल कर लेंगे, वैसे तो आपको क्लास ग्रुप में सेंड किया हुआ है, फिर भी आपको एक बार समझ लेना है अगर किसी को समझ नहीं आया था तो। ओके बेटा, नाउ सी, नाउ सॉरी थर्ड क्विज, एक बार मैं इनको फिर से रीड कर दूंगी तो आप एक बार देख लेंगे। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन द ईयर डैश, महात्मा गांधी जी का बोर्न यानी कि जन्म कौन से ईयर में हुआ था, 1867, 1876, 1869। ऑप्शन सी 1869 इज अ करेक्ट आंसर। यस, ध्यान से देखेंगे, गुड। नाउ फोर्थ, दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय द डैश, दिवाली किसके द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, कौन मनाते हैं इन तीनों में से ही दिवाली, हिंदूज। ऑप्शन कौन सा है, बी। ओके, फिफ्थ वाले यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना सबको, यस। फिफ्थ, वी ऑल्सो विश आवर क्रिश्चियन फ्रेंड्स डैश मैरी क्रिसमस, ईद मुबारक या हैप्पी दिवाली, क्या कहते हैं क्रिश्चियन फ्रेंड्स को, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ओके, इसको राइट आंसर बनाएंगे। ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन आपका है ए, मैरी क्रिसमस। क्या है, मैरी क्रिसमस। एक बार मैं इनको रीड कर देती हूँ, आप एक बार सभी सुनेंगे ध्यान से, और हो सके तो मैम के साथ रिपीट भी कर सकते हैं। अ फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन टाइम व्हेन पीपल आर डैश, व्हेन पीपल आर हैप्पी, आंसर इज हैप्पी। फिर से रिपीट कर दी हूँ, अ फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन टाइम व्हेन पीपल आर हैप्पी। Second, we celebrate the Independence Day on dash every year, 15th August. Second क्या है, 15th August. फिर से एक बार complete read कर रही इसको, we celebrate the Independence Day on 15th August every year. Every year means क्या बताया था, हर साल। Third, महात्मा गांधी was born in the year dash 1869. इसको क्या बोलते हैं, 1869. I will repeat again. Mahatma Gandhi was born in the year 1869. Yes, Bhumi Arihan. Lesson repeat कर रही हूँ बेटा, ये lesson की exercise revise करा रही हूँ एक बारी। अगर किसी का कुछ हुआ रह गया है, समझ नहीं आया तो एक बार समझ लेंगे, ठीक है। न्यू लेसन न्यू क्लास में स्टार्ट करेंगे, नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। फोर्थ, दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय द डैश हिंदूज, फोर्थ दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज। यस, now fifth, we also wish our Christian friend dash merry Christmas, repeat kar rahi hu, we also wish our Christian friends merry Christmas. Okay, ye questions ho gaya first wala, ise ek bar aap dekh lo, fir hum chalte hain fill in the blanks par, next page par, abhi 31 hai, अब चलेंगे हम 32 पेज पर, चले जाएंगे, ठीक है।
पेज नंबर 32। सभी देख लो इसको, फिर मैं रब कर देती हूँ। कर दो रब इसको, कर दे। Yes, question B, fill in the blanks. ठीक है, इसमें भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शन में ऑप्शन से चूज करके लिखना आपको कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। सारे इकट्ठे आंसर दिए हैं, उन आंसर्स में से आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन आंसर निकाल के जिसके लिए सुटेबल हो उसमें लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट रीड कर रही हूँ मैम। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स विद आवर डैश एंड डैश। ठीक है ना, आपका जो फेस्टिवल्स है वो किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स, दो आंसर आएंगे इसमें, तो दोनों आंसर लिखने हैं। क्या लिखोगे इसमें फर्स्ट में? फैमिली और फ्रेंड्स। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स दो के लिए ब्लैंक स्पेस दिया है, दो आंसर आएंगे इसमें। रिपीट करिए फिर से इसको। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, अब चलते हैं हम सेकंड पर। दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय द, अभी करेक्ट ऑप्शन में भी किया था आप लोगों ने ना, ठीक था करेक्ट आंसर में, अब आपको इसमें करना है। ठीक है, सेकंड, दिवाली सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज। ठीक है, दिवाली सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज। थर्ड, गांधी जी वाज कॉल्ड डैश बाय द पीपल। लोग क्या कहते हैं गांधी जी को, क्या कह के बुलाते हैं? बापू। गांधी जी वाज कॉल्ड डैश बाय द पीपल बापू। फोर्थ, कहीं दे रहे हैं ना सबको, ओनम इज द मोस्ट फेस्टिवल, मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ केरला। के ई आर ए एल ए, केरला। ओनम इज द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ केरला। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं, एक बार फिर से सबके आंसर रिपीट कर देती हूँ, तो आप अपने आंसर्स के साथ इसको मैच करेंगे और यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, जब मैम बोर्ड पर पढ़ा रही है तो आपको बोर्ड पर ही ध्यान देना है, मैम आपको बोल के समझा रही है तो आपको मैम की बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है ना, फैमिली फ्रेंड्स दो आंसर आएंगे। सेकंड, दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज, सेकंड आंसर। दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज। थर्ड, गांधी जी वाज कॉल्ड बापू बाय द पीपल। गांधी जी वाज कॉल्ड बापू बाय द पीपल। ओनम इज द मोस्ट फेस्टिवल, मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ केरला। यस, लिसन अगेन, ओनम इज द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ केरला। एक मिनट के लिए देखेंगे आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कर दो अब इसको। देखो ये सब देखो, अब एक बार है ना जो आपका फन टाइम है ना, आपकी बुक में देखो येलो कलर में लिखा है नीचे फन टाइम है ना। फन टाइम में आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स को देखकर आपको फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैं एक बार लिख देती हूँ उसको, उसको वो वाला क्वेश्चन हमारा हुआ नहीं था, एक बार इसको कर लेंगे ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर रिपीट करा दूंगी मैं। फन टाइम उसमें कुछ पिक्चर्स बना के दिए हैं, क्या है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेसेस। पिक्चर्स को देखकर आपको उनके फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं ओके। तो आपको पहला पिक्चर देखेंगे आप, देखकर बताएंगे मैम को कौन से फेस्टिवल्स का पिक्चर है। यस बताओ, अब लिखो आप चैट बॉक्स में। यस फर्स्ट पिक्चर कुछ चीज का है, कौन सा फेस्टिवल है फर्स्ट पिक्चर में, ईद। वेरी गुड मानसी बेटा, ईद गुड। क्या लिखेंगे फर्स्ट में, ईद, और फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर क्या है, ईद। कौन सा फेस्टिवल है फर्स्ट पिक्चर में, ईद, गुड मानसी, वेरी गुड हेमंत। हेमंत पेज नंबर आपको दिया हुआ बेटा 32, पेज नंबर 32 ओके। यस गुड, अब है नेक्स्ट पिक्चर बताएंगे आप किस चीज, कौन से फेस्टिवल्स का है, दिवाली। स्पेलिंग रोंग है आपकी हेमंत, दिवाली क्या है सेकंड में, सेकंड पिक्चर किस चीज का है, दिवाली, डी आई डब्ल्यू ए एल आई ठीक है, स्पेलिंग यहां से देख लेंगे ओके। क्या है गुड, स्पेलिंग ठीक करना आपकी, स्पेलिंग करेक्ट करना ओके बेटा, यहां से देख सकते हैं। थर्ड पिक्चर बताएंगे कौन सा है, कौन सा फेस्टिवल है थर्ड पिक्चर में, वेरी गुड होली है मैम, गुड होली, थर्ड में है होली, कलरफुल फेस्टिवल है ना हमारा होली। यस वेरी गुड, फिर फोर्थ नंबर पर बताएंगे कौन सा फेस्टिवल है, बताओ फोर्थ पर, क्रिसमस। स्पेलिंग दोबारा से रिपीट करना है मैम, स्पेलिंग ठीक नहीं आपकी, वेरी गुड बट आपने सही लिखा, आप ठीक आपकी, वेरी गुड। क्या स्पेलिंग लिखी गई, सी एच आर आई एस टी एम ए एस, कौन सा फेस्टिवल है ये, क्रिसमस, क्या है, क्रिसमस, सी एच आर आई एस टी एम ए एस, वेरी गुड मानसी। गुड बेटा, नेक्स्ट लास्ट वाला रह गया, बताओ ये कौन सा फेस्टिवल है, क्या बना हुआ है ये बता सकते हैं, गुरुद्वारा क्या बना हुआ है, गुरुद्वारा देखा आप लोगों ने, गुरुद्वारा के लिए कौन सा कोई ये फेस्टिवल है, सिक्स का कौन सा फेस्टिवल होता है बताओ, गुरुपर्व, फिफ्थ नंबर पे, जी यू